वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है डे 3 मधुमेश्वर ट्रैक का और आज हो रही है हमारी वापसी। तो जैसे मैंने बताया था, कल रात को 8:30 बजे के आसपास हम पहुंच चुके थे। एक गांव पड़ता है गोंदार से पहले, 1 किलोमीटर पहले। तो अब जो हमारा टोटल ट्रैक है रंसी विलेज तक का, वो 3 से 4 किलोमीटर का है। और इसमें हमें लगी उसमें, क्योंकि चढ़ाई पूरी तो 2 से 3 घंटे पक्का लगने ही वाले हैं। तो अभी बजे सुबह की 6, मैं हो चुका हूँ फ्रेश। अब राहुल जा रहा है फ्रेश होने, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और उसके बाद फिर बढ़ेंगे घर की ओर नहीं, चिरी टीरी की ओर। खाना दाल रुकेंगे या फिर चंबा रुकेंगे, तो डिसाइड करेंगे रास्ते में। तो चलो फिर आपको मिलते हैं, जल्दी से फ्रेश हो जाएगा राहुल, उसके बाद मिलते हैं सीधा ट्रैक पे। करते हैं इस बहुत खूबसूरत घाटी को अलविदा और निकलते हैं टीरी की तरफ। तो बहुत ही अमेजिंग टूर रहा ये हमारा, मज़ा आया ज़बरदस्त। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 एग्जैक्टली। और देखो क्या खूबसूरत घाटी, क्या खूबसूरत। और अब करते हैं इस घाटी को अलविदा, बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है। अभी भी बची है 3 से 4 किलोमीटर, अभी और जाना है हमें, जो कि चढ़ाई रही। अभी देखो ये वाला ट्रैक जाना है, फिर ये पूरा ऊपर उस गांव तक, फिर वहां से सीधा ऊपर, तो आपको दिख रहा होगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब, खैर वहाँ जाना है रंसी ब्रिज। और अभी भी टाइम लगेगा, अभी भी हमें 3 घंटे के आसपास लग सकते हैं। तो यानी कि 10 बजे तक हम पहुंच जाएंगे रंसी ब्रिज। तो यार बस अब यहाँ से सिर्फ यादें ही लेके जा रहे हैं। तो चलो भोले शंकर का नाम लेते हैं और बढ़ते हैं आगे, हर हर महादेव। तो यारो 2 दिन पहले यही वो रास्ता था जहाँ से हम ऊपर जा रहे थे, और अब देखो इसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। तो अब वो आँखों में बार बार वो यादें ताज़ा हो रही हैं कि यार कैसे हम इस रास्ते से उस दिन जा रहे थे। और हमारा टारगेट था कि यार जल्द से जल्द ऊपर पहुँचना है, शाम हो चुकी है ना, एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई था, इसलिए हम शाम के 5:30 बजे यहाँ से चले थे, पर रात के 8 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे, जबकि बहुत खड़ी चढ़ाई थी। और अभी देखो दोनों थोड़े मायूस बोल सकते हैं, उतना एक्साइटमेंट लेवल नहीं है क्योंकि अब वापसी हो रही है। और ये हर बार होता है, जब भी आप किसी जर्नी पे निकलोगे तो जाते समय तो वो एक्साइटमेंट रहता है, बट जब वापस आते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है। बट फिर भी अभी भी जर्नी काफ़ी बची है, और अभी करेंगे नाश्ता बीच में। अब होती है थोड़ी चढ़ाई स्टार्ट यहाँ से। तो यार ये देखो नदी की आवाज़ सुनो जरा, क्या गजब है, भयंकर। और इसी का मंजर देखो, ये जो बड़े बड़े पत्थर आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे बरसातों में यहाँ बह के आते हैं और नदी लेके आती है इससे बड़े बड़े पत्थर। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नदी की पावर कितनी भयंकर है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वही सेम वाटरफॉल जो स्टार्टिंग में मिला था जब हम जर्नी स्टार्ट कर रहे थे। और अभी करीबन बज रहे हैं 9:10, तो अच्छा खासा अभी हमने खेल दिया। अब बस लास्ट पड़ाव है जो यहाँ से ट्रैक रहने वाला है, बिल्कुल स्ट्रेट आउट पर वो मिट्टी वाला ट्रैक वो बचा है बस अब। तो उसमें करीबन हमें 2 घंटे के आसपास लगेंगे। तो चलो जी इसी ट्रैक के साथ, आखिरी पड़ाव के साथ अपनी जर्नी को करेंगे इस मधुमेश्वर ट्रैक की एंड, और बढ़ेंगे आगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये है वो रास्ता जो अभी जिस रास्ते में काम चल रहा है, जिसकी वजह से हमें 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पूरी खड़ी चढ़ाई चढ़नी है, फिर नीचे उतरना है। अदरवाइज यहाँ से सीधा ही था 0.5 किलोमीटर। तो अभी यहाँ लेते हैं ककड़ी ब्रेक, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो ये देखिए आखिरकार हमने उस मिट्टी वाले जो रास्ता था 1.5 किलोमीटर का, उसको कॉन्कर करके हम पहुँच चुके हैं ऊपर। और कितनी धूल उठी, यहाँ चल रहा है काम नीचे, ये देखिए यहाँ काम चल रहा है कुछ, जिसकी वजह से वो 1.5 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही टफ बना दिया। बट हम ऊपर पहुँच के अब सीधा नीचे ढलान में जाना है। और ये देखिए क्या खतरनाक रास्ता है, बिल्कुल पहाड़ के किनारे किनारे। और बस अब हम नीचे उतरना है, पहुँच गए जहाँ हमने रखी है बाइक। ये देखिए पूरा रास्ता देखो, ये देखो वहाँ रखी हुई है बाइक के कहीं, ठीक है। और यहाँ से भी हमें नीचे जाना है पूरा। तो यार ये था कुछ ऐसा मधुमेश्वर टेम्पल का सफ़र, और अब सीधे मिलते हैं आपको बाइक के पास। और एनर्जी अभी बनी हुई है, और एक बार
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यह है इसका कुछ स्टार्टिंग ट्रैक ऐसा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक। अभी ये जाना है नीचे, स्टेप संभल संभल के। चलो जी, चलो जी, चलते हैं। अब करते हैं मधमेश्वर टेंपल को अलविदा और भोले शंकर का आशीर्वाद लेके बढ़ते हैं आगे टीर की तरफ। हर हर महादेव। अभी बजना ठीक एग्जैक्ट, अभी समय हो रहा है 11। तो बहुत ही सही तरीके से, मतलब 7 बजे हम चले थे आज सुबह मॉर्निंग में और 11 बजे जो हमने एग्जैक्टली सोचा था। लेकिन एक सेकेंड, तो यानी कि 10 बजे तक हम पहुंच जाएंगे रासी विलेज। 11 बजे तक हमें कैसे भी करके पहुंचना है, तो पहुंचे और अब बढ़ रहे हैं आगे। अभी हमें जाना है करीबन टिहरी, यहाँ से दिखा रहा था आधे रास्ते 85 और वहाँ तक जाने के लिए 40-50 किलोमीटर होगा, तो टोटल हमें 140 के आसपास चलना होगा शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। अब वो नया रास्ता कैसा होगा, टिहरी जाता तो है बट एग्जैक्टली कहाँ निकलता है वो कुछ आइडिया नहीं है, तो लोगों से पूछेंगे फिर तब उसमें बढ़ेंगे आगे। तो ये है आपका रासी विलेज। तो लोग यहाँ तक आते हैं बस या बाइक में, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे होम स्टेज वगैरह रहने के जगह मिल जाती है। तो ये देखिए क्या मस्त नज़ारा है। अभी हमें वहाँ जाना है नीचे पुल पे, फिर वो चढ़ाई चढ़ के पूरा ऊपर जाना है, फिर उस वाले सामने गाँव में निकलना है। तो पहाड़ों के रास्ते भाई ऐसे ही होते हैं, एक पहाड़ से उतरो, दूसरे में चढ़ो, फिर तीसरे में चढ़ो, फिर उतरो, बस यही करना है। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं दिन के करीबन 1 और हम पहुंच गए तिलवाड़ा, और यहां पहुंचने में हमें लगे 2 घंटे और ट्रैफिक बहुत जाम था यार। करीबन हम आ चुके हैं 60 किलोमीटर के आसपास। अब यहां से एक रूट निकलता है जो टिहरी जाता है 85 किलोमीटर से यहां से, तो उस वाले रूट को हम ट्राई करेंगे और सीधा निकलेंगे चंबा की तरफ। तो ये जाता है यहां से तिलवाड़ा से टिहरी। अब चलते हैं इस रूट में, नया रूट है हमारे लिए भी, कभी गए नहीं है, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो अभी भी यहाँ से हमें करीबन 2 से 2.5 घंटे और लगने वाले हैं, या मैक्सिमम 3 घंटे, डिपेंड करता है रोड कैसी है। वैसे तो सिंगल लेन रोड है बट ट्रैफिक शायद इसमें इतना हो ना। तो जो लोग गंगोत्री यमुनोत्री जाते हैं तो इसी वाले रूट से फिर केदारनाथ निकलते हैं, तो उनके लिए ये रूट सही पड़ जाता है। वरना तो उन्हें फिर ऋषिकेश जाना पड़ेगा, ऋषिकेश से श्रीनगर आना पड़ेगा, फिर रुद्रप्रयाग आना पड़ेगा, तब जाके वो आएंगे। तो ये बाईपास हो जाता है और मतलब काफ़ी शॉर्ट पड़ जाता है फिर ये। तो ये देखो दोस्तों, 40-50 किलोमीटर तिलवाड़ा से आगे आने के बाद कुछ ऐसा है नज़ारा, बहुत ही अमेजिंग। जंगल के बीचों से जा रहे हैं और ये देखो सर, तो बीच में बारिश आ रही थी इस वजह से मेरे को ये हटाना पड़ा, बट अब दोबारा लगा रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ मस्त मस्त नज़ारे। अब यहाँ से घनसाली बस करीबन 35 किलोमीटर रह गया और उसके बाद 30 से 40 किलोमीटर आपका रह गया चंबा, तो भी करीबन मतलब 70-80 किलोमीटर और जाना है। तो राहुल क्या कहना चाहोगे इसके बारे में फिर? चीटिंग 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 करता है तू। पहले हम कह रहे कैलकुलेट कि चलो 80 जाना ठीक है, और साला जब हम देख रहे हैं कि कितना जाना तो साला वो 80 और दिखा रहा।
तिलवाड़ा के आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बट थोड़ा जैसे अब 40 किलोमीटर इधर ऊपर की साइड आए तो यहाँ ठंडा है मौसम, बढ़िया है मस्त। और बीच में हमें बारिश भी मिली, तो धूप छांव का खेल ऐसी लगा हुआ है। और इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है घनश्याली पहुँचना, और उसके बाद पहुँचना है हमारा चंबा। चलिए जी, चाय पीने के बाद अब हम बढ़ चले हैं आगे। ये था एक छोटा सा गांव, और अब हम एंटर कर चुके हैं टिहरी गढ़वाल में। बस यहां से 20 किलोमीटर आपका घनश्याली है, और वहां से 20-25 किलोमीटर आपका शायद पड़ेगा चंबा।